वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ ओमकार सर अगेन फ्रॉम बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द लास्ट फ्यू वीडियोज़ एंड हियर वी आर अगेन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वीडियोज़ एंड आई होप यू कैन प्रैक्टिस देम वेल। सो टुडे विल बी कम्प्लीटिंग द एंटायर मेंडेलियन जेनेटिक्स पार्ट एज वेल एज द न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स पार्ट। So that in our next lecture we can start with the chromosomal basis of the same chapter. Okay, so as you can see on the screen that is multiple alleles. तो बच्चों कैसे होता है ना, usually हम लोगों ने allele सुना है, okay, two alternative forms of a gene is called as allele. But multiple allele मतलब क्या, multiple का मतलब क्या होता है, more than two or I would say more. सो इधर मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। मोर देन टू मतलब दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन द क्रोमोजोम और इट्स होमोलॉग। मतलब क्या, अरे सेम डेफिनेशन है किसका, अलील का। सिर्फ जिधर दो अलील थे इधर क्या लिखेंगे हम लोग, दो से ज़्यादा। तो जब भी आता है ये वर्ड दो से ज़्यादा, हम लोग कौन सा अलील यूज़ करते हैं, मल्टीपल अलील। तो सर मल्टीपल अलील कितने हो सकते हैं, देखो बच्चों, ओके लोअर लिमिट है 3, अपर लिमिट बहुत ज़्यादा है, किसी किसी में मल्टीपल अलील ज़्यादा है, किसी किसी में कम है, जैसे 5 है, 6 है। तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द हाउ मेनी मल्टीपल अलील्स कुड बी फॉर्म, बट मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन। तब दो से ज़्यादा जो अलील्स होते हैं, ओके एक ही जीन के ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मल्टीपल अलील। तो बच्चों सीखेंगे कैसे, ये देखो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके ये होमोलोगस क्रोमोजोम है और होमोलोगस क्रोमोजोम पे मैंने मार्क किया ए जीन। तो ए जीन के दो अलील दिख रहे हैं, ओके यू कैन सी हियर, ये है कैपिटल ए, ये है स्मॉल ए, दैट इज कन्वेंशनल अलील वाला डेफिनेशन। बट सर अब अगर हम लोग इधर देख रहे हैं, ये मल्टीपल अलील्स देख रहे हैं, अभी मल्टीपल अलील्स मतलब मोर देन टू, तो हम लोग ले एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये तीनों ए ही है, फ़र्क क्या है, फर्स्ट वाला कैपिटल ए है, सेकंड वाला स्मॉल ए है एंड थर्ड वाला ए डैश है। तो तीनों एक ही जीन के है, मतलब क्या, एक ही जीन के अलग अलग वैरायटी है, तो ये अलील हो गए। तो अलील जो दो से ज़्यादा होते हैं एक ही जीन के ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोजोम, सच अलील्स आर कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स। क्या बोलाते हैं उनको, मल्टीपल अलील्स। नाउ मल्टीपल अलील्स अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन इन द वाइल्ड टाइप अलील। मतलब क्या, नॉर्मली जब एक नॉर्मल अलील जो होता है, नॉर्मल अलील, ओके वो होता है वाइल्ड टाइप, जो इन नेचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो अलील को क्या बोलाते हैं, वाइल्ड टाइप। अगर उस वाइल्ड टाइप अलील में म्यूटेशन होता है, चेंज होता है, म्यूटेशन मतलब क्या, उसका जीन चेंज होता है, तो उसके वजह से नया अलील बनता है, ओके नया जो अलील बनता है म्यूटेशन के वजह से, ओके वो होता है क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। तो जीन्स कैन म्यूटेट सेवरल टाइम्स एंड टू प्रोड्यूस सीरीज ऑफ मल्टीपल अलील्स। मतलब क्या, एक जीन बहुत बार म्यूटेट हो सकता है, तो बहुत बार म्यूटेट होने की वजह से बच्चों क्या होगा कि बहुत सारे मल्टीपल अलील मिलेंगे। तो सर कितने मिलेंगे, फिर से वही सवाल, ओके इसका कोई लिमिट नहीं है बच्चों। अपने सिलेबस के लिए हम लोग को दो क्लासिकल एग्जांपल लेना है, फिर भी मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जो अनकॉमन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ हेयर। हेयर इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ रैबिट, ओके इसके फर कलर में देखो, जो फर्स्ट वाला है जो ब्लैक वाला है, ये नॉर्मल अलील है, दैट इज़ इसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप अलील। क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड टाइप अलील, एंड वाइल्ड टाइप अलील इज़ ऑलवेज डोमिनेंट, ओके ये ब्लैक जो था हेयर इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन के वजह से फर्स्ट मल्टीपल अलील बना चिंचिला, ओके हिमालयन एंड एल्बिनो। तो देखो कितने सारे है? मतलब टोटल चार बने, टोटल चार मल्टीपल अलील्स है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें तीन बार म्यूटेशन हुआ रहेगा शायद से, इसके वजह से इसके अलील्स ज़्यादा है, इसके वजह से इसके अलील्स क्या है, ज़्यादा है। सो मल्टीपल अलील्स
arises due to what? Mutation. They arises due to mutation in which allele? Wild type allele. Which allele? Wild type allele. तो इधर देखो ये black वाला जो है ये wild type allele है, इसमें mutation हुआ, इसकी वजह से chinchilla आया CH वाला, फिर Himalayan आया CH वाला, and albino आया that is CC वाला. So that is what genes can mutate several times, बहुत बार, to produce series of multiple alleles. Very good. आगे बढ़ते. Wild type allele is always dominant over mutant allele. कहने का मतलब क्या है? ओके, ये जो ब्लैक वाला अलील है ये वाइल्ड टाइप अलील है बच्चों, वाइल्ड टाइप वाली. ओके, इसके लिए देखो कैपिटल में लिखा है और बाकी सब क्या है? स्मॉल में लिखे, मतलब ये रिसेसिव है. तो ऑलवेज रिमेंबर, अ वाइल्ड टाइप अलील इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर योर म्यूटेंट अलील. तो ये म्यूटेशन के वजह से जो अलील्स आए ये वाले, उसको बोला जाता है म्यूटेंट अलील. क्या बुलाता है? म्यूटेंट अलील. तो ऑलवेज रिमेंबर, अ वाइल्ड टाइप अलील इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर योर म्यूटेंट अलील. ओके, सो इधर ये तो ये हेयर वाला एग्जांपल तो अपने सिलेबस में है नहीं, तो उससे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. पर अपने को दो चीज़ें हैं जो याद करने हैं. वन इज़ ड्रोसोफिला विंग्स एंड ह्यूमन ब्लड ग्रुप. तो दो एग्जांपल्स हैं मल्टीपल एलील्स के. तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ड्रोसोफिला विंग्स. तो ड्रोसोफिला विंग्स मतलब ड्रोसोफिला क्या है? यू कैन सी हियर, इट इज़ अ फ्रूट फ्लाई. जो फ्रूट्स के ऊपर यूजुअली जो मक्खी जैसा कीड़ा होता है उसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई. ओके, तो ये फ्रूट फ्लाई को साइंटिफिकली ड्रोसोफिला कहा जाता है. क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला. तो ड्रोसोफिला में वी हैव मैनी मल्टीपल एलील्स. तो विल टेक फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स, फ्यू फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स इन ड्रोसोफिला एंड द मल्टीपल अलील्स. बच्चों मल्टीपल अलील्स जो है इसके विंग्स के शेप में है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये है नॉर्मल विंग्स. नॉर्मल विंग्स, दिस इज़ द वाइल्ड टाइप अलील. बच्चों वाइल्ड टाइप अलील इज ऑलवेज डोमिनेंट. तो इधर हम लोग नॉर्मल अलील के लिए वी जी प्लस लिखेंगे. तो प्लस इंडिकेट दैट्स अ कैपिटल. ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए. एंड प्लस के वजह से इट बिकम्स डोमिनेंट. तो नॉर्मल अलील, ओके सॉरी, नॉर्मल विंग्स जो है, नॉर्मल विंग्स जो है उसका जीनोटाइप है वी जी प्लस. सेकेंड, निक्ड विंग्स. निक्ड मतलब क्या होता है? जैसे पेज थोड़ा सा फटता है तो उसके वजह से थोड़ा सा क्रैक आ गया या पेज थोड़ा फट गया, तो वैसे ही स्ट्रक्चर को निक्ड बोला जाता है. क्या बोला जाता है? निक्ड. तो अगर विंग्स थोड़े से नेचुरली फ्रॉम बर्थ इट्सेल्फ थोड़े से टूटे हुए रहते हैं, थोड़े से नेचुरली टूटे हुए रहते हैं, उस विंग्स को बोलाता है निक्ड विंग्स. क्या बोलाता है? निक्ड विंग्स. एंड सर, ये निक्ड विंग्स के वजह से इसका जीनोटाइप वीजी तो आएगा बट निक्ड का है, इसीलिए रेस टू एन आई लिखा है. एन आई स्टैंड्स फॉर वॉट? निक्ड विंग्स. एन आई स्टैंड्स फॉर वॉट? निक्ड विंग्स. ओके, वी जी तो स्टैंडर्ड है बट वी जी रेस टू एन आई. एन आई मतलब क्या? एन आई मतलब क्या? निक्ड विंग्स. ओके, नेक्स्ट, नॉच्ड विंग्स. अभी सर नॉच क्या होता है? तो कई सारे बच्चों को पता रहेगा नॉच डिस्प्ले. नॉच डिस्प्ले आजकल चलता है फोन्स में. तो नॉच को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा जाए तो अपना पंचिंग मशीन से हम लोग जो पंच करते पेपर को, एक होल गिरता है, तो वैसे ही होल लाइक स्ट्रक्चर होता है ड्रोसोफिला के विंग्स में. दैट इज़ फ्रॉम बर्थ अगेन बिकॉज इट इज़ अ जेनेटिक थिंग. तो इसीलिए सच टाइप ऑफ विंग्स. ओके, का जीनोटाइप क्या रहेगा? एनी गेसेस? अगर गेस करते हो वीजी आएगा तो बराबर है वीजी के साथ. और क्या आएगा रेस टू में? नॉच्ड है तो एन ओ, तो वीजी एन ओ. वेरी गुड. देन आता है सेकेंड लास्ट है स्ट्रैप विंग्स. अभी सर स्ट्रैप क्या होता है? स्ट्रैप मतलब कैसे होगा मालूम है? अपना जो क्या बोलते उसको, सैंडल्स वगैरह होता है. ओके, तो वो उसको वेलक्रो कहा जाता है. वेलक्रो में कैसे ना, यू कैन रिमूव इट, अनबकल इट एंड अगेन ओके बकल इट. तो ये जो होता है वो स्ट्रैप की तरह काम करता है. तो वैसे ही दो विंग्स जो होते हैं ओके चिपके हुए से होते हैं ओके स्ट्रैप की तरह. ओके, सच विंग्स आर कॉल्ड एज स्ट्रैप विंग्स. एंड स्ट्रैप विंग्स का अगर आप लोग जीनोटाइप गेस कर रहे हो, ओके गेस कर रहे हो जीनोटाइप, तो क्या आएगा जीनोटाइप? वीजी तो आएगा सर. वीजी के साथ क्या आएगा? स्ट्रैप है तो क्या आएगा? एस टी. तो वीजी एस टी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेस्टिजियल विंग्स. सबको पता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो बच्चों वेस्टिजियल विंग्स क्या रहेंगे? सर जो विंग्स बोलते ना छोटे से रहते हैं या फ्लाइट के लिए यूजफुल नहीं है,
उस विंग्स को क्या कहा जाता है, वेस्टिजियल विंग्स। तो इधर सिर्फ हम लोग लिखेंगे वी जी। तो इधर देखो कितने एलील्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच, मतलब मोर देन टू एलील्स हैं। तो दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। ओके तो बच्चों आगे बढ़ते हैं टू द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप बहुत सिंपल है। वी ऑल नो ह्यूमन ब्लड ग्रुप हैज़ थ्री एलील्स। ओके थ्री एलील्स कौन से हैं याद करना ज़रूरी है, आई रेस टू ए, आई रेस टू बी और स्मॉल आई। याद रखना क्या क्या है, आई रेस टू ए, आई रेस टू बी और स्मॉल आई। इतना याद रखना, अपने को सबको पता है चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। ओके ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ओके तो बच्चों अपने को फिनोटाइप तो पता है, फिनोटाइप क्या क्या है, चार टाइप के ब्लड ग्रुप कौन से, ए बी, ए बी और ओ। तो अपने को पता है फिनोटाइप में ए ब्लड ग्रुप पता है, तो उसका जीनोटाइप क्या आएगा। हमेशा याद रखना मल्टीपल एलील्स कितने भी हो, एक पर्टिकुलर पर्सन में सिर्फ दो ही एलील हो सकते हैं। नेचर में बहुत ज़्यादा ही एलील है, नेचर में बहुत सारे एलील है, बट एक पर्सन में सिर्फ दो ही एलील हो सकते हैं एक जीन के। क्यों? क्योंकि अ ह्यूमन और एनी एनिमल हैज़ ओनली डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम, मतलब दो कॉपी रहते हैं एक क्रोमोजोम के। तो इसीलिए अलील्स भी कितने रहेंगे, मैक्सिमम एक पर्सन में दो। इन नेचर बहुत है बट एक पर्सन में कितने होते हैं, दो। तो इधर ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आएगा आई रेस टू ए दैट इज होमोजाइगस, और आई रेस टू ए स्मॉल आई दैट इज हेट्रोजाइगस। ये वर्ड होमोजाइगस और हेट्रो क्यों यूज़ किया, बिकॉज इधर देखो ये दोनों सिमिलर अलील्स है इसीलिए होमोजाइगस है, और ये डिससिमिलर अलील्स है इसीलिए हेट्रोजाइगस है। तो इससे पता चलता है, ये कंडीशन से पता चलता है कि आई रेस टू ए और स्मॉल आई में से दोनों में से कौन सा अलील डोमिनेंट है। सर आई रेस टू ए बिकॉज उसका फिनोटाइप है ए ब्लड ग्रुप, इसीलिए ए अगर एक्सप्रेस हो रहा है मतलब दोनों में से एक डोमिनेंट है, और जो कैपिटल में होता है यूजुअली क्या होता है, डोमिनेंट। सो आई रेस टू ए क्या है, डोमिनेंट, क्या है, डोमिनेंट ओवर योर स्मॉल आई। बराबर। नेक्स्ट बी ब्लड ग्रुप। तो बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या आएगा, थोड़ा गेस करो, सिंपल है, ऊपर ऑप्शंस भी अपने पास। ओके तो अगर गेस किया है बच्चों आपने, तो आई रेस टू बी होमोजाइगस और आई रेस टू बी स्मॉल आई दैट इज हेट्रोजाइगस। तो सर इधर भी वही सिनेरियो है, आई रेस टू बी में बी ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब क्या, अरे मतलब कि बच्चों बी आई रेस टू बी इज डोमिनेंट ओवर योर स्मॉल आई, इज डोमिनेंट ओवर योर स्मॉल आई। ओके नाउ तो हम लोगों ने अभी तो क्या क्या देखा कि आई रेस टू ए इज डोमिनेंट ओवर योर स्मॉल आई, आई रेस टू बी इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर योर स्मॉल आई। तो बेचारा स्मॉल आई तो रिसेसिव है। अभी देखते ए बी, थोड़ा गेस करो बच्चों ए बी क्या रहेगा उसका जीनोटाइप। हमेशा याद रखना सिर्फ एक पर्सन में दो ही अलील होंगे, मल्टीपल अलील हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। इन नेचर बहुत सारे मल्टीपल्स अलील्स है, मल्टीपल अलील्स है, बट एक पर्सन में सिर्फ और सिर्फ दो ही अलील होते हैं। तो इधर क्या होगा, गेस करो, आई रेस टू ए एंड आई रेस टू बी, दैट मीन्स आई रेस टू ए एंड आई रेस टू बी आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वॉट। दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन सा डोमिनेंस, इनकम्प्लीट या को डोमिनेंस। आंसर क्या आएगा बच्चों, गेस करो, अगर आंसर गेस किया है को डोमिनेंस तो आप बराबर हो। क्यों? बिकॉज सर आई रेस टू ए भी एक्सप्रेस हो रहा है, आई रेस टू बी भी एक्सप्रेस हो रहा है, और वो भी इक्वली, दैट्स वाई द फिनोटाइप इज ए बी ब्लड ग्रुप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओ ब्लड ग्रुप, बेचारा बचा कौन, स्मॉल आई, स्मॉल आई, स्मॉल आई इज बेसिकली अ रिसेसिव एलील, एंड रिसेसिव ऑलवेज एक्सप्रेस इन विच कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। तो दैट मीन्स ओ ब्लड ग्रुप कब आएगा, ओके जब आपका जीनोटाइप रहेगा स्मॉल आई, स्मॉल आई। तो बच्चों जिनका भी ए बी ब्लड ग्रुप है उन सबको पता है उनका जीनोटाइप क्या है, आई रेस टू ए, आई रेस टू बी, और बच्चों जिनका भी ओ ब्लड ग्रुप है उनका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल आई, स्मॉल आई। नाउ ए ब्लड ग्रुप वालों का होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है, वैसे ही बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है। इजी, लेट्स प्रोसीड। सो दिस इज़ वॉट वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। अभी के लिए मल्टीपल एलील्स इधर ही एंड करते, इतना ही है अपने को सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स, दैट इज प्लियोट्रॉपी। तो बच्चों प्लियोट्रॉपी होती क्या है, एक जीन जब एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखाती है
सीधे शब्दों में बोला जाए तो व्हेन वन जीन हैज़ मोर देन वन इफेक्ट और वन मोर देन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन सच अ जीन इज कॉल्ड एज अ प्लियोट्रॉपिक जीन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिज्म. हम लोग डेफिनेशन देखते हैं प्लियोट्रॉपी जीन एंड प्लियोट्रॉपिज्म का. व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स टू और मोर आई वुड से टू और मोर डिफरेंट ट्रेट्स इट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन एंड द फिनोमिना इज नोन एज प्लियोट्रॉपिज्म. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक जीन है, ये देखो ये एक जीन दो इफेक्ट दिखा रहे हैं. एक ही जीन, इसमें कलर दिख रहा है, इसमें वाइट दिख रहा है. तो सर एक जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहे. इन शॉर्ट अदर वर्ड्स में बोलूँ तो एक जीन दो या दो से ज़्यादा इफेक्ट दिखाते हैं. तो सच जीन इज कॉल्ड एज अ प्लियोट्रॉपिक जीन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिज्म. ओके, तो हम लोग एक क्लासिकल एग्जांपल देखते हैं. ये जो एग्जांपल है जो स्लाइड पे है वो नॉन क्लासिकल है, इन द सेंस वो अपने टेक्स्ट बुक में है नहीं. अभी एक टेक्स्ट बुक वाला एग्जांपल देखते हैं. ओके, हीमोग्लोबिन जीन. नॉर्मली ओके हीमोग्लोबिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल. तो हीमोग्लोबिन जीन में दो वेरियंट्स आते हैं, दो वेरियंट्स. ओके, एक नॉर्मल आरबीसी है ओके एंड एक है सिकल सेल्ड आरबीसी. ओके, तो थोड़ा एक बाय एक करते हैं हम लोग. पहले देखते हैं फिनोटाइप. नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है उसमें नॉर्मल आरबीसी रहता है, दैट इज दिस इज द बाय कॉन्केव शेप ऑफ द आरबीसी. ओके, ये नॉर्मल इंडिविजुअल में है. उसका जीनोटाइप है HbA. द वर्ड HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन एंड A इज फॉर नॉर्मल वन. तो देखो इधर भी देखो दो एलील्स है एंड दोनों एक ही इफेक्ट दिखा रहे हैं. क्या दिखा रहे हैं? नॉर्मल हीमोग्लोबिन. मतलब क्या, इसके आरबीसी का शेप नॉर्मल है तो ये बंदा परफेक्टली नॉर्मल रहेगा. सेकंड, सिकल सेल्ड एनीमिक SCA इन शॉर्ट, सिकल सेल्ड एनीमिक. इसका क्या है? कैन यू सी हियर द शेप ऑफ द आरबीसी हैज़ बीन चेंज्ड. इट इज सिकल सेल और क्रेसेंट मून शेप की तरह. देखो ये एक मून है, क्रेसेंट मून की तरह है. तो बच्चों ये क्रेसेंट मून वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दैट इज सिकल सेल एनीमिया. तो ये सिकल सेल एनीमिया इज अगेन अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी. तो इसका जीनोटाइप क्या है? HbS. HbS अगेन फॉर हीमोग्लोबिन एंड S फॉर सिकल सेल एनीमिया. तो बच्चों एक सिंपल सवाल है, अगर ऐसा पर्सन अपने एक मदर के वूम में दैट इज फीटल कंडीशन में जिंदा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता सर. क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ओके उसके आरबीसी का शेप ही बराबर नहीं है. एंड सबको पता है आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. एंड सबको पता है हम सब क्या है, ओके एरोबिक ऑर्गेनिज्म है. सर एरोबिक ऑर्गेनिज्म होने के वजह से अपने को ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है. तो सख्त ज़रूरत होने के वजह से बच्चों, सख्त ज़रूरत होने के वजह से ऑक्सीजन के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते. एंड अगर ट्रांसपोर्टेशन ही बराबर नहीं है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन आएगा नहीं, और ऑक्सीजन आएगा नहीं तो बच्चों फीटस ज़िंदा रह सकता है क्या? नहीं. तो जो भी सिकल सेल्ड एनीमिक है दैट मीन्स इट इफ ही और शी दैट इज द फीटस हैज़ ई ओके बोथ द HbS एलील्स दैट मीन्स द फीटस वोंट सर्वाइव, द फीटस वुड डाई. एक और कंडीशन है सिकल सेल कैरियर. इट्स एन इंटरमीडिएट स्टेप, सिकल सेल कैरियर. ओके, HbA HbS यू कैन सी हियर वी हैव टू डिफरेंट कंडीशंस. HbA भी है और HbS भी है. मतलब 50% RBC उसके नॉर्मल रहेंगे, 50% RBC उसके सिकल सेल रहेंगे. तो सर ऐसा इंडिविजुअल जिंदा रह सकता है क्या? आंसर इज येस. वाई? बिकॉज उसके आधे RBC नॉर्मल है तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे. हाँ, बट जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे एक्सट्रीम रनिंग, आई वुड से ट्रैकिंग, देन स्विमिंग एंड ऑल, तो ये सारे एक्टिविटीज़ नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकते हैं. बट जो सिकल सेल कैरियर है वो ये सब नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज उनमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है. उनकी बॉडी 50% रेट पे काम करती है. इसके लिए दे वुड लिव हैप्पीली विथ नॉर्मल एक्टिविटीज़. बट इफ़ दे एग्जर्ट देमसेल्फ देन दे हैव अ चांस ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिप्लीशन इन द बॉडी.
सो बट आई वुड से दे वुड सर्वाइव, नो हार्श, इजी. सो दिस आर द थ्री कंडीशंस. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन सिकल सेल कैरियर मेल एंड सिकल सेल कैरियर फीमेल. मतलब दोनों कैरियर है बच्चों, दोनों कैरियर हैं. मतलब क्या, आधे आरबीसी उनके नॉर्मल है, आधे आरबीसी उनके सिकल सेल है. तो विल सी वॉट एग्जैक्टली वी कैन हैव हियर. सो पेरेंट्स फिनोटाइप क्या है? सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल कैरियर. ओके, तो उसका जीनोटाइप क्या है? गैस करो, गैस करो, जल्दी से गैस करो. ये क्रॉस तुम लोग को आना चाहिए, बहुत सिंपल है. एच पी ए, एच पी एस बराबर. ओके, दूसरा भी कौन है? ओके, मदर एंड फादर आर सेम सिकल सेल कैरियर, एच पी ए, एच पी एस. नाउ इनकी गैमेट कैसे बनेंगे? सब अलग अलग टाइप की गैमेट्स रहेंगे. ये देखो इधर क्या आएगा, इधर एक आएगा एच पी ए, इधर आएगा एच पी एस, इधर आएगा एच पी ए, इधर आएगा एच पी एस. तो अपना वही फंडा, गैमेट्स बन गए, क्रॉस करो. ये तो वो ही फॉर्मूला, 1 3 1 4 2 3 2 4. सो 1 3 1 3 क्या आएगा? एच बी ए, एच बी ए. जीनोटाइप क्या? एच बी ए, एच बी ए बराबर. नेक्स्ट 1 4 इधर क्या आएगा? एच बी ए, एच बी एस बराबर. फिर आएगा 2 3 एच बी ए, एच बी एस एंड 2 4 एच बी ए, सॉरी एच बी एस, एच बी एस. तो अभी इसका फिनोटाइप गेस करो. ये वाला क्या रहेगा? एच बी, एच बी ए सर, नॉर्मल सर. एच बी, एच बी एस. ये भी क्या है? एच बी ए, एच बी एस. ये क्या रहेगा? सिकल सेल कैरियर. और ये क्या है? एच बी एस, एच बी एस सर, सिकल सेल एनीमिक. तो रेशियो क्या आएगा? 1:2:1. बट बच्चों ये 1 आ सकता है क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज सिकल सेल एनीमिक जो इंडिविजुअल है वो मर जाता है. तो ही फी डाइस, तो वो रेशियो में आ सकता है क्या? नहीं. हियर फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1. तो सर दिस इज वॉट वी हैव इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपी. तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है, एक्सप्लेन अ फिनोमिना इन विच द फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1, तो समझ जाना बच्चों ये इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं. ये पूछ रहे क्या? प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने का. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके, विल सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन सिकल सेल एनीमिया. थोड़ा सा डाउट रहेगा बच्चों को, इसके लिए मैंने ये स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड कर दी है. ये देखो, ये ब्लड वेसल्स है और ये ब्लड वेसल्स में आरबीसी है. नॉर्मल शेप के आरबीसी होने की वजह से क्या होता है कि आरबीसी डू नॉट गेट स्टक इन द ब्लड वेसल. ये आराम से पास ऑन हो जाते हैं पानी की तरफ. बट सिकल सेल की बात करते हैं, सिकल सेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसके लिए उसका शेप सिकल सेल या क्रेसेंट मून शेप हो गया. एंड इसके वजह से यू कैन सी हियर द ब्लड वेसल इज गेटिंग ब्लॉक्ड बिकॉज सारे आरबीसी एक दूसरे में अटक गए हैं एंड दे हैव ब्लॉक्ड द पैसेज. एंड वी ऑल नो व्हेन द पैसेज हैज बीन ब्लॉक्ड व्हाट हैपेंस? द ब्लड सप्लाई इज कट डाउन. एंड इफ द ब्लड सप्लाई इज कट डाउन, द ऑर्गन और द टिश्यू स्टार्ट्स फेलिंग. एंड दैट इज वॉट हैपन्स इन सिकल सेल एनीमिक इंडिविजुअल हु डाइज इन द फीटल कंडीशन. ओके, सो दिस इज वॉट वी हैड द एंड ऑफ द न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स. नाउ विल कम अप विथ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन्स फॉर मेंडल्स वर्क नॉट एबल टू गेन इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग हिज एरा. तो बच्चों क्या रीजन था कि मेंडल इतना ब्रिलियंट होने के बाद भी उसके वर्क को इतना रिकोगनाइज नहीं किया गया? ओके, मेंडल डाइड एंड ही वॉज नॉट रिकग्नाइज बिकॉज ऑफ हिज वर्क. बट इवेंचुअली आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ही वॉज रिनाउंड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो क्या रीज़न था कि मेंडल के वर्क को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम पे? फर्स्ट, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी ड्यूरिंग दोज डेज. जैसे आज हम लोग को पता चल जाता है, अरे यार इधर ये हुआ है, उधर हुआ है, फटाक से पता चल जाता है. वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरा ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, दैट इज 1870, 1860s की बात करें. उस टाइम पे कम्युनिकेशन किधर था? सो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी ड्यूरिंग दोज डेज. हिज वर्क वाज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज. जो भी लोग थे उन्होंने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था बिकॉज उनको पता ही नहीं था उसके डेटा के बारे में कि क्या किया उसने, कितना ग्रेट उसने वर्क किया था. तो ये रीज़न हो गया. तो और है रीज़न, आगे देखते हैं. तो दो रीज़न क्या है अभी के लिए? कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी ड्यूरिंग दोज डेज एंड हिज वर्क वॉज नॉट वाइडली रिकोगनाइज. नेक्स्ट,
approach of using mathematics and statistics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable. तो यूजुअली मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी जो है वो दे डोंट गो हैंड इन हैंड. वी ऑल नो दोज हू लव बायोलॉजी दे डोंट हैव दैट पैशन फॉर मैथ्स या वाइस वर्सा. एंड उस टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट था कि मैथ्स स्टैट्स और बायोलॉजी एक साथ मतलब लोगों ने एक्सेप्ट किया ही नहीं था. उसने क्या किया था, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया था, इसके वजह से बच्चों मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आया. एंड मैथ्स स्टैट्स को उस टाइम पे बायोलॉजी के साथ लिंक किया था, वो बहुत ही बड़ा नया इफेक्ट था, तो लोगों ने उसके लिए एक्सेप्ट नहीं किया. ओके, नेक्स्ट, पेयर ऑफ एलील्स डू नॉट ब्लेंड वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कंटेम्प्रेरीज. मतलब क्या कि दो एलील्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं वो यूजुअली ब्लेंड होते हैं, ऐसे लोगों को उस टाइम पे लगता था. बट ऐसा उसने बोला कि ऐसा होता नहीं है. तो पेयर ऑफ एलील्स डू नॉट ब्लेंड ऐसा उसका स्टेटमेंट था, बट उस टाइम पे लोगों का सोच अलग थी, इसके लिए उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि जो मेंडल बोल रहा था कि द एलील्स आर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन इज बिकॉज ऑफ डोमिनेंस इन द रिसेसिव कैरेक्टर नॉट बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग. तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया. He didn't knew the physical location of the factors that is genes in the gametic cell. उसको पता नहीं था कि genes किधर located है. तो he was not able to put forth the concept कि gene या factor नाम की चीज़ actual में होते हैं और वो cell के nucleus के DNA के अंदर located होते हैं. वो है बिकॉज उस टाइम पे सेल क्या होता है लोगों को पता नहीं था, न्यूक्लियस क्या होता है लोगों को पता नहीं था, और ऊपर से क्रोमोजोम DNA तो टोटली न्यू है, वो लोगों को पता ही नहीं था. इसके लिए दिस आर द फ्यू रीजंस व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ड्यूरिंग हिज एरा. बट इवेंचुअली साइंटिस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल बायोलॉजी एंड देर वाज अ ग्रेट एडवांस इन साइंस एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. एंड दैट्स व्हाई दे रीडिस्कवर्ड फ्यू साइंटिस्ट वर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंडल एंड दे वर एबल टू रीडिस्कवर द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स. Okay, there are three scientists, Hugo de Vries, Karl Korenz, and von Erich Skemark. These three scientists were studying the same concepts of Mendel, but independently, alag-alag jagah pe kar rahe the experiment. And they understood how great Mendel was. And he had actually worked a lot of genetics, and that's why they three together, put forth the three laws of inheritance. And Mendel was reassigned as what we now call him as father of genetics. तो सर ऐसा क्या हो गया कि इनको accept करने के लिए ऐसा क्या available हो गया कि Mendel का work properly उन्होंने accept किया. So we'll see. Okay, reasons was first advancement in microscopy. Microscope properly develop हुआ था उस time पर, तो उसके लिए सेल पता चल गया, सेल डिवीजन पता चल गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम वाज नोन. एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आने के बाद मेंडल का डेटा एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर होने लगा लोगों को. एंड दैट वाज द मेन रीज़न फॉर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल बाय थ्री साइंटिस्ट, ह्यूगो द वेरिस, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन स्केमार्क. ओके, सो विल एंड द चैप्टर, that is first half of the chapter, that is Mendelian concepts, neo-Mendelian concepts here. And I hope you have taken good care of understanding the concepts well. Agar koi bhi doubt aata hai, to again you are feel free to contact me or comment on the comment box. Before we leave for the lecture, that is for the next lecture, I would say like, subscribe and share so that you will be posted with the new videos as soon as they are uploaded on my channel. I hope you enjoy your lectures and understand and study as well. Hope to see you soon with a new lecture.